हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कुमार एंड टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फॉर क्लास 4 पीरियड 3। इन दिस सेशन वी विल डिस्कसिंग अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड सम आउटपुट डिवाइसेस। लेट्स सी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग इनपुट डेटा को प्रोसेस करते हैं। जो डेटा हम लोग इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद जिस डिवाइस के द्वारा डेटा प्रोसेस होता है उस डिवाइस को हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं और दिस डिवाइस इज कॉल्ड सीपीयू। इस डिवाइस को हम लोग सीपीयू कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चूंकि सारा प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा होता है इसलिए हम लोग सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। लेट्स सी सम कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। फर्स्ट मॉनिटर। मॉनिटर इज एन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या होता है? एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है जो देखने में टीवी की तरह दिखता है और ये जो भी हम लोग डेटा इंटर करते हैं या जो भी रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस होता है उसको ये डिस्प्ले करता है। देयर आर कॉमनली थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर। फर्स्ट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। पहला जो होता है ये कैथोड रे ट्यूब होता है। ये मॉनिटर काफ़ी साइज में बड़ा होता है और बल्की भी होता है। दूसरा जो होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर के कंपेयर में पतला होता है और ये टेबल पे स्पेस भी कम लेता है। तीसरा मॉनिटर लाइट इमिटिंग डायोड। ये देखने में तो एलसीडी मॉनिटर की तरह लगता है लेकिन इस मॉनिटर में एलसीडी के मुकाबले पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। दूसरा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्रिंटर इज अ कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या करता है? जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग कंप्यूटर पे बनाते हैं उसको ये प्रिंट करने के काम में आता है। इट प्रिंट द रिजल्ट्स ऑन द पेपर। प्रिंटर जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं उसके द्वारा हम लोग डॉक्यूमेंट फोटो ये सारे को प्रिंट निकाल सकते हैं। अब ये हार्ड कॉपी क्या होता है? तो जो भी प्रिंटर के द्वारा पेपर पे कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर निकलता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन इन प्रिंटेड फॉर्म ऑन द पेपर और शीट इज टर्म एज हार्ड कॉपी। लेट्स सी एक्सरसाइज। चलिए तो आज हम लोग इस पहले चैप्टर का एक्सरसाइज भी देखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि सीपीयू के द्वारा सारा प्रोसेसिंग का काम होता है तो सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में सीपीयू भरा जाएगा। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होता है जो कि रॉ फॉर्म में रहता है। यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स है आर इनपुट डिवाइसेस। तो हम लोग जानते हैं कीबोर्ड और माउस क्या होता है? एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। और फोर्थ में है कि कौन हमारा हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो यहाँ पर होगा कंप्यूटर। दूसरा क्वेश्चन, हार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू का कहा जाता है, ये सही है कि गलत है? जैसा कि हम जानते हैं कि सारा प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर में सीपीयू के द्वारा होता है इसीलिए हम इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो ये सही है।
दूसरा है TFT मॉनिटर, डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑन पेपर। TFT जो मॉनिटर होता है वो क्या पेपर पे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है? तो ये गलत है। रिजल्ट जो पेपर पे डिस्प्ले करता है उसको हम लोग प्रिंटर बोलते हैं, तो ये गलत होगा। कंप्यूटर आर यूज्ड ओनली इन स्कूल, क्या कंप्यूटर सिर्फ स्कूल में यूज होता है? गलत। कंप्यूटर रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हर जगह यूज होता है, इसलिए ये गलत है। चौथा, कंप्यूटर कैन ओनली कैलकुलेट नंबर, ये भी गलत है। क्या कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन का काम करता है? नहीं, कंप्यूटर में हम लोग गेम भी खेल सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो ये यहाँ गलत होगा। तीसरा क्वेश्चन, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जैसा हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट सेशन में कि जॉयस्टिक एक हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर पे गेम खेलने के काम में आता है। सो जॉयस्टिक इज अ हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। सेकेंड इज प्रिंटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रिंटर क्या है, एक कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, रिजल्ट को प्रिंट करने के काम में आता है। तो प्रिंटर इज अ कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस, इट इज यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑन पेपर। फोर्थ क्वेश्चन, हॉस्पिटल में हम लोग कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं? तो हॉस्पिटल में सबसे पहले ये क्या करता है कि जो वहाँ मरीज भर्ती रहते हैं, जो पेशेंट्स भर्ती रहते हैं, उनके रिकॉर्ड को ट्रैक करने या रखने के काम में आता है। और कंप्यूटर क्या करता है, जांच के लिए भी यूज होता है, जो डिजीज होते हैं उनकी जांच में सहायता करता है। तो इट इज ऑल्सो यूज टू डायग्नोज द डिजीज। दूसरा, डिफेंस में कंप्यूटर का क्या यूज है? तो डिफेंस में कंप्यूटर मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा मैपिंग या प्लॉटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इस सेशन में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो कमेंट्स में अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखें, और वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।